जी तो कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे मैं भी खैरियत से हूँ तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ला, सब्सक्राइब लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जैसे कि आपने लास्ट ब्लॉक में देखा कि मेरे भाई की बर्थडे है और हम केक लेने के लिए तहजीब बेकर आए हैं मैं और मेरी सिस्टर मिल के प्लान कर रहे हैं तो हम यहाँ पे आ गए हैं केक लेने के लिए और ये केक लेने के लिए हम लोग आए हैं तहजीब बेकर जो कमर्शल मार्केट में है उस वाली ब्रांच में तो बस ये अब हम आ गए हैं अब हम बेकरी के अंदर इंटर हो गए हैं तो जी इंटर होते ही हमने बहुत से केक देखे बहुत सी वराइटी थी और मैं कन्फ्यूज़ हो गई थी सी, सीरियसली कि कौन सा लूँ कौन सा ना लूँ कौन सा मज़े का होगा कौन सा नहीं खैर राहत बेकरी का स्टैंडर्ड अपना ही है उनका केक उनके यहाँ की वरायटी जितनी भी होती है सब मजे की होती है इसमें कोई डाउट नहीं है लेकिन इतने सारे केक देख के तो बंदा कन्फ्यूज तो हो ही जाता है ना कि क्या ले क्या ना ले तो बस अब हम यहाँ पे वही डिसाइड कर रहे हैं और करते जा रहे हैं और करते जा रहे हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा तो फाइनली डिसाइड हो गया और अब यहाँ पे हम रिसेप्शन पर पे हम पेमेंट दे रहे हैं और बस पेमेंट दे हम यहाँ से बाहर चले जाएँगे और ये मेरी आपकी पेमेंट दे रही है और मैं वीडियो शूट कर रही थी जी हमने यहाँ पर केक ले लिया है और अब हम घर की तरफ जा रहे हैं और बस धूप बहुत तेज थी हम तकरीबन दो बजे के टाइम नहीं तीन शायद बजे तीन बजे थे हाँ तीन बजे के टाइम हम लोग निकले थे घर से पर धूप बहुत ज़्यादा थी मेरे साथ भी महल थी मेरी आप के साथ भी उसका बेटा था तो खैर अब हम घर पहुँच गए और घर आते साथ सबसे पहले तो मैंने बर्थडे की तैयारी स्टार्ट करी सबसे पहले ये मैंने बैकग्राउंड सेट कर दिया है तो एक्चुअली ये मेरे भाई के लिए सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी थी और ये थीम मैंने सोची थी कि सिल्वर ब्लैक और रेड के साथ ये थीम हम बनाएंगे तो मैंने भाभी को बता दिया था और मैंने उन्हें कह दिया था कि आप भाई के ब्लैक कलर के कपड़े प्रेस कर दें और खुद भी आप सब रेडी हो जाए बच्चे वगैरह सब ब्लैक और वाइट और रेड की थीम के हिसाब से और भाई मेरा घर पे नहीं था वो बाहर था तो बस हमने स्टार्ट कर दिया और ये हम बैलून फिल कर रहे हैं यहाँ पे मिनाहिल मेरी भाई की बेटियाँ और आपी का बेटा सब मिलके हेल्प करा रहे हैं भाभी भी थी आपी भी थी हम सब मिलके बैलून फिल कर रहे थे और साथ साथ ये लोग खेल भी रहे थे और फट भी रहे थे और हम लोगों ने इसी में इतना इंजॉय किया था जी तो ये थी फाइनल लुक और ये सब मैंने क्रिएट की थी और सबको बहुत पसंद आई थी ये थीम कलर कॉम्बिनेशन ये सब कुछ मैंने किया था तो खैर पसंद तो सबको बहुत अच्छे से आया था और वाकई अच्छा लग भी रहा था आप लोग भी बताएं कैसा लग रहा था जी तो यहाँ पे सारे बच्चा पार्टी का फोटोशूट चल रहा था और ये सबसे छोटा बच्चा हमारे घर का मेरे भाई का बेटा अरहम और बस ये वाला केक हमने सेलेक्ट किया था बहुत मुश्किलों से बड़ी मेहनत के बाद हमें ये केक हमने चूज़ किया और बस चेक कर दिया गया था और मैक्रोनी मेरी भाभी ने बनाई थी बहुत मज़े की बनाई थी और पेटीज़ चाट वगैरह बाहर से आ गए थे और बस ये सब चीज़ें हम लोगों ने सेटिंग कर दी थी क्योंकि इसके बाद हम लोगों ने अब केक काटना था भाई का वेट हो रहा था और भाई को बहुत मुश्किलों से कॉल कर करके बुलाया जो कि वो कह रहा था कि मैं अभी नहीं आता लेकिन हमने कहा नहीं आओ घर आओ कोई काम है ज़रूरी काम है जी तो भाई फिर आ गए थे और हम लोगों ने फुल लाइट शाइट ऑफ करके सरप्राइज़ दिया और भाई यहाँ पे आ गए टेबल शेबल सेट हो गया था बस फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत फोटोशूट चल रहा था वो तो फिर मस्ट ना इतनी मेहनत के बाद फोटो शूट तो होना चाहिए और बस अब यहाँ पे केक कट <सलतिव> जी तो केक कट हो चुका है और ये देखें बात का हाल क्या हो गया है पता नहीं क्या हो गया है <सलतिव> गंद मंद हो गया और ऐसा तो होता है फिर इस तरह के कहूँ में क्यों जी जी तो यहाँ पे केक की कटिंग चल रही है और भाई सबके पीसेस बना के नहीं सबके पीसेस बना के नहीं सबको पीस बना के दे रहा है <laughs> और ये अब हम ये हमेशा केक एंजॉय करेंगे केक मजे का था बहुत सॉफ्ट था फ्रेश था जी तो यहाँ पे बस अब केक एंजॉय हो रहा है मेरा आज का ब्लॉग यहाँ तक था मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे अपने दो में याद रखिएगा नेक्स्ट ब्लॉग तक के लेला हाफिज़